बस ड्राइवर। वो सोलापुर बस स्टैंड था। बस में भीड़ ज्यादा होने के कारण फुटबोर्ड के ऊपर भी लोग खड़े हुए थे। सर्विस वहां पे आके, हाँ चढ़िए भाई चढ़िए, बस और 10 मिनट में निकलने वाली है, हाँ भाई आइए आइए कहके चिल्लाने लगा। उतने में एक आदमी आके पैसेंजर से, भैया थोड़ा सरकोगे, मुझे अंदर जाना है। कहाँ पे चढ़ोगे भाई, दिखाई नहीं देता है कितनी भीड़ है, अंदर जगह तक नहीं है, इसके लिए हम सभी यहाँ पे खड़े हैं। कोई बात नहीं, मेरे लिए एक सीट रिजर्व है, पहले मुझे आप रास्ता तो छोड़िए। ओए, बोलने पे समझ नहीं आ रहा है, दूसरा कोई बस ढूंढ ले। नहीं, मुझे यही बस चढ़ना है, मुझे अगर रास्ता नहीं दोगे तो ये बस नहीं निकलेगी, खबरदार। ओए, ऐसी गीदड़ भक्तियां किसी और को सुनाना, तेरी इतनी हिम्मत कि हमें ही वार्निंग दे रहा है, क्या ये तेरा खुद का बस है? हाँ, ये मेरा ही बस है, मैं इस बस का ड्राइवर हूँ। मुझे जिस डोर से चढ़ना चाहिए था वो डोर लॉक हो गया है, इसके लिए यहाँ से आया। कहा तो पैसेंजर सभी सॉरी जी कहके उसे रास्ता छोड़े। बस वैसे निकलने के बाद सर्विस, हाँ टिकट टिकट भैया टिकट कहके एक आदमी से टिकट मांगा। नहीं चाहिए सर। क्या हुआ, टिकट नहीं चाहिए? ऐसी भी क्या नाराजगी है, क्यों शर्माते हो? टिकट नहीं लोगे तो 2 साल की सजा हो सकती है या फिर 1,000 का जुर्माना भरना होता है, पता नहीं है क्या तुम्हें? मुझे क्यों साहब जुर्माना होगा, मेरे पास तो सीजन टिकट है, कहकर अपना पास दिखाया। वो बात पहले क्यों नहीं बताया बेस्ट फेलो? बाद में टिकेट्स टिकेट्स चिल्लाते हुए एक व्यक्ति के पास आया। वो आदमी टिकट खरीदने के बाद कंडक्टर से, कंडक्टर बाबू गाजियाबाद आने पर बताएंगे क्या, पर आपने तो दिल्ली के लिए टिकट निकाला है ना? हाँ, पर गाजियाबाद आते ही मुझे नींद से जगाइए प्लीज। तो कंडक्टर ठीक है बोलकर वहां से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद वो आदमी नींद से जाग के, क्यों भाई कंडक्टर बाबू, क्या गाजियाबाद आके गया? वहां पे स्टॉप नहीं है जी, इसलिए बिना रुके चली गई। क्या है भाई, जब आएगा तो बोलने के लिए तो कहा था ना, तो अब हुआ क्या है, क्यों ऐसे चिल्ला रहे, ऊपर से हुआ क्या है पूछ रहे हो, कहकर जब वो बहस करने लगा तो बस ड्राइवर आके उस आदमी से, क्या है भाई क्यों खाली पीली चिल्ला रहे हो, गाजियाबाद में स्टॉप नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, गाजियाबाद आते ही मुझे टैबलेट डालना है जी। वो बातें सुनकर बस ड्राइवर चौंक गया, क्या हुआ गाजियाबाद आते ही तुम्हें टैबलेट डालनी है, किसने कहा तुमसे ऐसा? मेरा डॉक्टर। वो कौन सा डॉक्टर है, कोई और डॉक्टर होता तो दवाई समय पे लेना बोलता, तुम्हारा डॉक्टर क्या गाजियाबाद आते ही डालने के लिए बोला? वो क्या है ना जी, मेरी याददाश्त थोड़ा कमजोर है, समय पे दवाई डालना भूल जाऊंगा सोच के मेरा डॉक्टर ठीक 8 बजे कौन सा गांव आएगा जानकारी लेके उस गांव में दवाई लेने के लिए कहा था। मैं पूछना भूल गया हूँ जी, आप तो बस ड्राइवर है ना, आप यहाँ पे खड़े हैं तो फिर बस कौन चला रहा है? ओहो, उसका कोई टेंशन नहीं है जी, अगले 2 किलोमीटर तक कोई टर्निंग नहीं है, इसलिए स्टीयरिंग को रॉड से बांध के आ गया, कहा। उसकी बातें सुन के सब लोग बेहोश हो गए। बार्बर, उसका नाम योगेश था, वो उस गांव का जमींदार था। योगेश के पास एक पालतू कुत्ता रहता था, वो कहे तो योगेश को बहुत प्यार था। योगेश एक बार नाई के दुकान पे जाते वक्त, हाँ मानिकराव, मुझे और मेरे कुत्ते को कटिंग करना है भाई। ठीक है साहब, कहकर योगेश को कटिंग करके बाद में उस कुत्ते को भी कटिंग किया। साहब, बहुत दिनों से मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ, आपको इस कुत्ते से इतना क्यों लगाव है साहब? वो एक बहुत बड़ी कहानी है, वो सब तू अब सुन के क्या करेगा। शाम को मेरा काम वाला बंटी आके तुम्हें पैसे दे देगा, कह के वहां से निकल गया।
उस दिन शाम को बंटी आके, ये ले भाई साहब ने तुम्हें पैसे दिए, कहकर बंटी ने पैसा दिया। और बंटी, हाँ मानिक राव, मुझे अभी के अभी बाल मुंडवाना है। अभी क्यों बाल मुंडवाना चाहते हो? पहले तू बाल तो मुंडवा, बाद में बताता हूं। बंटी को बाल मुंडवाने के बाद हमारे मालिक को कुत्ता बोले तो कितना प्यार है वो तो तुझे मालूम ही है। अब मैं मालिक के पास जाकर उनके कुत्ते की सेहत के लिए मन्नत रखकर बाल मुंडवाने के लिए तिरुपति गया कह के झूठ बोलूंगा। कुत्ते के लिए बाल मुंडवाने से तुम्हें क्या फायदा होगा? अरे पागल, क्यों किस लिए वो तुझे बाद में मालूम पड़ेगा रे। अभी मुझे मालूम पड़ा कि तुम्हारी कमाई इतना कम क्यों है। अगले दिन बंटी योगेश के पास जाके, साहब हमारे कुत्ते की सेहत ठीक नहीं है जानकर तिरुपति बालाजी के यहाँ जाकर वहाँ पे मैं अपना सर मुंडवा के आया हूँ साहब, ये लीजिए प्रसाद, कहकर प्रसाद देकर कुत्ते को भी दीजिए साहब। वाह तू है रहा मेरा सगा भाई, कहकर बंटी को गले लगाया। बंटी तुझे मेरे कुत्ते से इतना प्यार है रे, तूने मेरा दिल जीत लिया, आज से तुम्हारा टंकुआ डबल कर रहा हूँ, कहकर बोला। साहब आप भगवान है साहब। उसका प्लान वर्कआउट होने की खुशी में वो मानिक राव के पास जाकर, अरे मानिक राव देखा ना, एक ही मुंडन में अपनी जिंदगी बदल दूंगा कहा था ना, मेरी तनख्वाह अभी डबल है। वो बहुत गलत बात है ना साहब, मालिक को धोखा देना सबसे बड़ी गुनाह है। बहुत हुई तेरी नसीहत। अगले दिन जमींदार के सारे नौकर बंटी के पास आकर, बंटी बाबू आपका पगार दुगना हुआ है, हमें भी कुछ सलाह दीजिए ना। अरे तुम लोग बहुत देर दिमाग के हो, मुझे देखो मैंने एक ट्रेंड सेट किया है, कम से कम उस ट्रेंड को फॉलो तो करो। ओए मगर मेरी बात बाहर निकली तो फोड़ दूंगा, ठीक है कहकर मानिक राव के पास जाकर, मानिक राव जी हम सबका मुंडन एक साथ कराओ। क्या इतने लोगों को एक साथ मुंडन? पूरा एक दिन लगेगा भाई, हमें आज और कोई काम नहीं है, वेट करेंगे। अरे साहब एक साथ इतने लोग मुंडन क्यों कर रहे हो? ये बंटी साहब की महिमा है, तो मानिक राव को सब पता चल गया। उतने में मानिक राव को जमींदार के ओर से फोन आया, मानिक राव एक बार घर पे आओ, तुमसे काम है। आऊंगा साहब पर आज नहीं कल, एक साथ आज 40 लोगों के बाल मुंडवाना है। उस दिन मानिक राव सबका मुंडन किया, तब वो सब जाके जमींदार के पास गए। साहब हम सब एक साथ होके तिरुपति बालाजी का दर्शन करके आ रहे हैं साहब, पर किस लिए रे? आपके कुत्ते की सेहत अच्छे रहने के लिए मन्नत मांगे साहब। तो जमींदार को मानिक राव की कही हुई बात याद आई, ओहो तो ये है वो 40 टकले, बंटी की सैलरी बड़ी सुनके तो ये सब प्लान करके आए हैं। सोच के अरे बंटी कहकर पुकारा, तो बंटी भागते हुए जमींदार के पास आया। अरे बंटी ये मेरे लिए और मेरे कुत्ते के लिए देख रहे तिरुपति जाके मुंडन किए, कल से इनको सैलरी से 100 रुपया कम कर देना। तो सब लोग एक साथ शॉक होके साहब कहकर चिल्लाए, चुप करो रे, क्यों रे मानिक राव के पास जाकर बाल मुंडवा के तिरुपति गए कहकर झूठ बोलोगे, जाओ रे यहां से। तब जमींदार बंटी से, क्यों रे बंटी लगता है तू भी मानिक राव के पास मुंडवा के आया है, नहीं तो ये सारे लोग मानिक राव के पास क्यों जाएंगे, कहकर कल से तुम्हारी सैलरी में से आधा कट, इसको ही टिट फॉर टैट बोलते हैं रे, कहकर चला गया। ये जोधपुर नाम का गांव है। इस गांव में कृष्णा नाम के व्यक्ति के पास एक कार गैराज हुआ करता था। पूरे गांव में एक ही गैराज होने से सारे लोग वहीं पर आते थे। कृष्णा के पास गोपाल नाम का लड़का कई सालों से काम किया करता था। एक बार गोपाल कृष्णा से, सर कल मैं गांव जा रहा हूँ, कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? आओ ये लो, मेरे जेब में कूट कूट के भरे पड़े हैं, कहकर अपना खाली जेब को दिखाया।
ये क्या, गांव जाने पैसे मांग रहा हूँ तो खाली जेब दिखा रहे हो? खाली जेब नहीं दिखाऊंगा तो और क्या दिखाऊंगा, कह तो रहा हूँ पैसे नहीं है, अब जाओ यहाँ से। और तो और, तुम्हारे इतने काम के लिए तुम्हें तनख्वाह भी दूं, सुबह नाश्ता चाय कॉफी भी दूं, फिर दोपहर खाना, शाम की कॉफी, रात का खाना और तुम्हारे ट्रेन खर्चे के लिए पैसे भी दूं, तो फिर मैं कंगाल ही हो जाऊंगा। मतलब आप कह रहे हो कि आपके पास पैसे नहीं है? ठीक है, मैं ही कमा लूंगा, कहकर वहाँ से निकल गया। कुछ दिनों बाद कृष्णा गोपाल से, शहर जाके स्पेयर पार्ट्स लेके आना है, गैराज की ध्यान से देखभाल करना, कहकर निकल गया। कुछ देर के बाद एक स्पोर्ट्स कार गैराज पर आई और उसका मालिक, छोटू इस कार को स्पीड करने पर बहुत जोर से आवाज आ रही है, सर्विसिंग के लिए दे रहा हूँ, कल आकर ले जाऊंगा, कहकर कार उसे दी। कुछ समय बाद गोपाल चुपचाप चोरी छुपे उस स्पोर्ट्स कार से डीजल चुरा लिया। उस शाम गोपाल बगल वाले गांव में, हाँ डीजल भाई डीजल, 5 किलोमीटर दूरी तक पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, आओ भाई आओ, डीजल डीजल, कहकर डीजल को बेचने लगा। अगले दिन उस स्पोर्ट्स कार का मालिक जब आया, हाँ कृष्णा भाई कार रेडी हुआ क्या? हाँ तैयार है सर, अब आप कार को ले जा सकते हैं। स्पोर्ट्स कार का मालिक अंदर बैठकर कार चालू करके देखा, कार का पेट्रोल मीटर का रीडिंग देखकर चकित होकर, कृष्णा भाई कहकर बुलाने लगा। जब कृष्णा वहाँ आया, क्यों भाई, जब मैंने कार दिया था तो पेट्रोल टैंक आधा भरा हुआ था, पर अब तो एक चौथाई भी नहीं रहा। कृष्णा, पता नहीं सर, हमारे गैरेज में तो पेट्रोल निकालने की संभावना ही नहीं है। ठीक है, अब छोटी छोटी बातों पे क्या बहस करना, कहकर वहाँ से चला गया। एक बार फिर दूसरा कार मालिक आकर, भाई कार हाईवे पे चलते चलते एक तरफ दब जाती है, जरा देखो। हाँ क्या, व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट करने से सही हो जाएगा सर, कल आकर आप आपकी कार लेकर चले जाइए। कुछ समय बाद जब कृष्णा व्हील अलाइनमेंट कर रहा था तो गोपाल वहाँ चोरी छुपे आकर धीरे से एक पाइप को डीजल टैंक में डालकर डीजल को चुरा कर बॉटल में भर लिया। उस शाम को हर दिन की तरह गोपाल डीजल भरे बॉटल्स को बेचने लगा। अगले दिन जब कार मालिक वहाँ आया, गाड़ी अब परफेक्ट बैलेंस में है, आप ले जाइए, इसमें है आप ले जाइए, गाड़ी अब परफेक्ट बैलेंस, गाड़ी अब परफेक्ट बैलेंस, जांच की तो उस कार में डीजल नहीं था। डीजल कैसे खत्म हुआ? और इस दौरान आपकी गैरेज के बारे में कई बातें सुनी है, यही कि आप कार से पेट्रोल डीजल निकाल रहे हो, अब तो खुद अपने आँखों से भी देख लिया, छी आप इतने लालची हो ये मैं नहीं सोचा था, कहकर वहाँ से चला गया। कृष्णा को कुछ समझ नहीं आया। उस शाम गोपाल जब डीजल बेच रहा था, स्पोर्ट्स कार का मालिक अकस्मात वहाँ आकर गोपाल से, अबे ओ तुम कृष्णा की गैरेज में काम करते हो ना, यहाँ क्या कर रहे हो और ये डीजल बॉटल्स कहाँ से आई? सर वो ऐसा है सर, ऐसे कुछ कह ही रहा था। हाँ कहो वरना मैं पुलिस को बुला दूंगा, कहकर उस पर चिल्लाया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर, आप जैसे लोग कार रिपेयर के लिए तो दे रहे हैं लेकिन ढंग के पैसे नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को बुद्धि सिखाने के लिए कृष्णा सर ने डीजल बेचने कहा। ये बातें सुनकर कार मालिक को गुस्सा आया और वो दूसरे कार ओनर के साथ उस गैराज पे जाकर कृष्णा को पीटने लगा। क्यों बे, हम तुम्हें पैसे ठीक से नहीं दे रहे, जब भी जितना भी मांगा दे तो रहे, ऊपर से टिप भी तो दे रहे, ऐसे करोगे नहीं सोचा था, कहकर वापस पीटने लगे। तब गोपाल वहाँ आकर, सर जी आपके पास बहुत पैसे हैं ना, अब तो जरा पैसे दे दीजिए, गांव जाना है,